पूर्व विधायक ने एक बयान दिया था कि जिसने कभी बच्चों को टिकट ना लगवाया हो, जिसने कभी स्कूल की फीस ना दी हो, जो कभी बाजार ना गया हो, वो परिवार के दर्द को क्या समझ सकता है? क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कहना चाहूंगी कि परिवार का, देश का, समाज का दर्द समझने के लिए एक संवेदनशील व्यक्ति, चाहे वो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हों, चाहे हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हों, जितनी अच्छे तरीके से इन्होंने हर वर्ग के लोगों को समझा है, उतने अच्छे तरीके से आज तक कोई भी प्रधानमंत्री और कोई भी मुख्यमंत्री नहीं समझ पाया है। और उसी का यह परिणाम है कि आज पूरे विश्व में सबसे लोकप्रिय नेता अगर कोई है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और पूरे भारत में यदि सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री कोई है तो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी जी हैं। जी मैडम, परसों देखा गया कि कानपुर में नरेंद्र मोदी के रैली के दौरान कुछ लाल टोपी में कुछ युवक हैं, समाजवादी पार्टी के जो लोग थे, वो हिंसा भड़काने की कोशिश किए थे और गाड़ियों को तोड़फोड़ किए थे। क्या कहना चाहेंगे आप? ये लाल टोपी वाले भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियों को देखकर पूरी तरह से बौखला गए हैं। पूरी जनता जान रही है कि यूपी प्लस योगी ये है बहुत उपयोगी, ऐसा प्रधानमंत्री जी ने कहा। जनता भी मान रही है लेकिन विपक्ष नहीं मान रहा है। वह कह रहा है कि योगी अनुपयोगी है। ऐसे लोगों को जो योगी जी को कह रहे हैं अनुपयोगी, वो हो गए हैं पूरी तरह से मानसिक रोगी। और चुनाव आने पर गंगा नहा रहे हैं, जनेऊ धारण कर रहे हैं, वो नेता नहीं, वो है असली। मैडम एक मिनट, सवाल भाजपा के विपक्ष का लोगों का ना कि भाजपा की रेल, मतलब भाजपा की इतनी डबल इंजन की जरूरत पड़ गई क्योंकि एक इंजन से गाड़ी नहीं चल पा रही है। भाजपा को डबल इंजन की जरूरत नहीं पड़ गई, उसकी नीतियों से प्रभावित होकर देश और प्रदेश ने डबल इंजन के रूप में चुना है। और अभी मैं केवल बलिया की बात बता दूं कि जो दो सीटें, सात सीटों में से जो दो सीटें बलिया नहीं पाया है, 22 में वो सातों की सीटें जीतने का काम भी बलिया करेगा।